गोदावरी नदी के किनारे बसा तेलंगाना का भद्राचलम शहर मंदिरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ का सीताराम मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ रामनवमी और कई दूसरे मौक़ों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति आज आपको दर्शन कराऊंगा भद्राचलम के सीताराम मंदिर के। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिया गया बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। खम्भ जिले का यह छोटा सा शहर तेलंगाना के दक्षिण भाग में स्थित है। भद्राचलम भगवान श्री राम से जुड़ा और हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो आंध्र प्रदेश के खम्भ जिले में स्थित है। इस पुण्य क्षेत्र को दक्षिण की अयोध्या भी कहा जाता है। यह स्थान अगणित भक्तों का श्रद्धा केंद्र है। मान्यता यह है कि यह वही स्थान है जहां राम ने पर्णकुटी बनाकर वनवास का लंबा समय व्यतीत किया था। भद्राचलम से कुछ ही दूरी पर स्थित पर्णशाला में भगवान श्री राम अपनी पर्णकुटी बनाकर रहे थे। यहीं पर कुछ ऐसे शिलाखंड भी हैं जिनके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि सीता जी ने वनवास के दौरान यहाँ वस्त्र सुखाए थे। एक विश्वास यह भी किया जाता है कि रावण द्वारा सीता जी का अपहरण भी यहीं से हुआ था। सीता का अपहरण करने के लिए एक महिला के अवतार में पहुंची हरुचि को बोम्मा और पर्णशाला के निकट स्थित सीतम्मा बागू के पास सीता द्वारा सुखाई गई साड़ी के चिन्ह, उनके द्वारा संग्रहित हल्दी और कुमकुम के रंगीले पत्थरों के कुछ अवशेष यहाँ आज भी मौजूद हैं। नदी किनारे रावण के रथ के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। यहीं पर रावण ने सीता का अपहरण किया था। सीता से दूर हो चुके भगवान श्री राम शोक में डूबे हुए भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। भद्राचलम में स्थित राम की मूर्ति के चेहरे पर दिखने वाला तेज पर्णशाला में भगवान श्री राम के चेहरे पर नहीं दिखता। श्री राम नवमी के दिन यहाँ भी कल्याण उत्सव का आयोजन होता है। गोदावरी नदी तट पर स्थित भद्रगिरी नामक पहाड़ के पास श्री राम ने श्रीलंका में कैद देवी सीता की रक्षा के लिए जाने के दौरान रास्ते में इस नदी को पार किया था। मेरु पर्वत और मेनका का बेटा ही भद्रगिरी है। इस भद्र की इच्छा अनुसार भद्रगिरी पर रुके भगवान श्री राम बाद में भद्राद्री रामबड़ू बन गए। इस भद्रगिरी चट्टान पर स्थित भगवान श्री राम का मंदिर ही श्री सीताराम चंद्र स्वामी देवस्थानम है। भद्राचलम राम मंदिर आकार में विशाल है। विमान और मंडपम ठीक शिल्प कौशल के हैं। यह मंदिर भद्राचलम रामदास से जुड़ा है, जो भगवान राम के एक भक्त हैं। 17वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। वाल्मीकि ने यहाँ श्री रामचंद्र की कहानी गाई है। कहा जाता है कि भगवान राम ने संत भद्र को दर्शन दिए और उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाई, इसलिए संत भद्र की स्मृति में इसे भद्राचलम कहा जाता है। मंदिर में मूर्तिकला के सुंदर टुकड़े हैं जो उनकी सरासर सुंदरता और कारीगरी की उत्कृष्टता के साथ ध्यान आकर्षित करते हैं। श्री राम को यहाँ सुंदर अच्छी तरह से निर्मित धनुष और तीर को पकड़े हुए और त्रिभंगा मुद्रा में खड़ा दिखाया गया है। सीता उनके पास खड़ी है त्रिभंगा मुद्रा में भी, जिसके एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में कात्यावलंबिता मुद्रा में है। इस स्थान के वनवासियों की जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर राम मंदिर बनने के पीछे की कहानी बेहद अनोखी है। कहते हैं कि दमक्का नाम की राम जी की एक भक्त वनवासी महिला भद्री रेड्डीपालेम ग्राम में रहती थी। उनका राम नाम का एक गोद लिया हुआ पुत्र भी था। एक दिन वह पुत्र वन में खो गया और उसे खोजते हुए दमक्का जंगल में जा पहुंची। जब वो पुत्र का नाम राम कहकर आवाज लगा रही थी, तभी उसे
एक गुफा में से आवाज आई कि माता मैं यहां हूं। वहां पहुंचने पर दमक्का को सीता, राम और लक्ष्मण की प्रतिमाएं मिली। भक्ति से विभोर दमक्का को अपना पुत्र भी उसी स्थान पर मिल गया। तब उसने संकल्प किया कि वो इसी स्थान पर श्री राम का मंदिर बनाएगी। इसके पश्चात उसने बांस की छत बनाकर एक अस्थाई मंदिर का निर्माण कर दिया। समय के साथ वो स्थान वनवासी समुदाय में भद्रगिरी या भद्राचलम नाम से प्रचलित हो गया और वे उसी पहाड़ी गुफा में राम जी का पूजन करने लगे। यही मंदिर आंध्र प्रदेश के खम्मन जिले के भद्राचलम स्थित राम मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यही कारण है कि भद्राचलम वनवासी बहुल क्षेत्र है और राम वनवासियों के लिए पूज्य है। गोदावरी की विशालता प्रकृति की अथाह ऊर्जा से आपको साक्षात्कार कराती है, जहां पर आप स्वयं को कण मात्र समझकर इसमें डूब जाते हैं। आप इस स्थान पर आते ही शांति और प्रेम की अनुभूति से भर जाएंगे। दरअसल दक्षिण भारत में सी बहुत सी जगह हैं, लेकिन भद्राचलम की अपनी एक अलग ही पहचान है। यहाँ से करीब करीब 32 किलोमीटर दूर स्थित पर्णशाला आते ही आप पाएंगे कि आप उसी राम नगरी में आ गए हैं, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। जब कल्पना मात्र से रोमांच होता है तो सोचिए वहाँ वास्तव में उपस्थित रहने का प्रभाव कैसा होता होगा। तो चलिए आगे की वीडियो में जानते हैं यहाँ जाने का सबसे सही समय कौन सा है और यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं। अक्टूबर से मार्च के बीच का समय भद्राचलम जाने के लिए सबसे सही माना गया है। हालांकि मार्च और अप्रैल का समय पीक सीजन होता है, क्योंकि राम नवमी के दौरान यहाँ देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। इसके अलावा वैकुंठ एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा के दौरान भी भद्राचलम मंदिर में कई दिनों तक त्यौहार मनाए जाते हैं। आप इस समय पर जाकर इन त्योहारों का आनंद ले सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से भद्राचलम के लिए जाना चाहते हैं तो सार्वजनिक परिवहन के रूप में बसें और टैक्सियां उपलब्ध हैं। कई निजी बस ऑपरेटरों की बसें भी भद्राचलम और राज्य के अन्य प्रमुख शहरों के बीच चलती हैं। हैदराबाद और खम से नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। सड़क के माध्यम से खम से भद्राचलम तक पहुंचने के लिए लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। अगर आप यहां रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो भद्राचलम से निकटतम रेलवे स्टेशन कोतागुड़ेम शहर है। इस रेलवे स्टेशन का नाम भद्राचलम रोड स्टेशन है और यह शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेशन शेष भारत के कई शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। खम से एक दैनिक यात्री ट्रेन भद्राचलम रेलवे स्टेशन तक चलती है। ट्रेनों से आने वाले यात्री स्टेशन से शहर के लिए बस भी ले सकते हैं। अगर आप वायु मार्ग द्वारा इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, भद्राचलम में कोई हवाई अड्डा नहीं है। शहर से निकटतम हवाई अड्डा राजमुद्री घरेलू हवाई अड्डा है। भद्राचलम से नज़दीकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग 300 किलोमीटर दूर हैदराबाद में है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शहर से उतनी ही दूरी पर है। भद्राचलम कस्बे तक पहुंचने के लिए हवाई अड्डे से आप टैक्सी ले सकते हैं या फिर आप बस के द्वारा अपनी यात्रा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। एक बार फिर मिलता हूँ एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।